हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिजाइनर स्कर्ट बताने जा रही हूँ। तो डिजाइनर स्कर्ट बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आजकल शादियों का सीजन है, तो बहुत अच्छी लगेगी। तो आप भी अपने लिए जरूर बनाना, जिसके लिए मैंने ये कलरफुल कपड़े लिए हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े बचे हुए हैं तो आप ले सकती हैं। तो ये मेरे जो थान होते हैं, मैंने उन्हीं में से कट किए हैं। ये जो मेरा बेंगलोरी साटन का कपड़ा है, ये मैंने 1 मीटर लिया है। और जो ये मेरा सेंटून का कपड़ा है, ये वाला, ये भी मैंने 1 मीटर लिया है। और जो ये ग्रीन वाला है, ये मैंने 2 मीटर लिया है क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा चाहिए। और ये वाला कपड़ा मैंने 1 मीटर लिया था, इसके भी मैंने दो दो पीस कट कर लिए हैं। और इसमें से मेरा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा था, तो इसको मैंने अलग कर लिया है नेफे के लिए, जो कि हम बेल्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इनकी लंबाई बताते हैं, हमने इनकी लंबाई कितनी ली है। तो देखिए, मैंने इनकी लंबाई ली है 10.5 इंच। लंबाई मैंने 10.5 इंच ली है। चौड़ाई आपके कपड़े की जितनी भी हो आप उतनी ही रख लीजिए। चौड़ाई आपको नहीं कट करनी है, लंबाई लेनी है सिर्फ इसकी। और उसके बाद ये मैंने दो पीस कर लिए हैं। देखिए, ये हमारे दो पीस हैं और ये ज्वाइंट हमारे इस तरीके से होंगे। देखिए, पहले हमारा ये जो हल्का ब्लू है ये आएगा, फिर उसके बाद डार्क ब्लू आएगा, यानी कि नेवी ब्लू बोलते हैं उसको, ये डार्क ब्लू है तो ये आएगा उसके बाद। फिर उसके बाद ये हमारा जो हल्का ग्रीन है, ये वाला आएगा। फिर एक हमारे पास डार्क ग्रीन है, वो वाला आएगा। इस तरीके से हमें ये कलरफुल स्कर्ट बनानी है। तो इनको हम ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने ये एक पीस ज्वाइंट कर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब मैं आपको जो दूसरा पार्ट होगा उसमें अच्छे से समझाऊंगी कि हमको ये किस तरीके से ज्वाइंट करने हैं। इनको ज्वाइंट करना बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ सीधी सिलाइयाँ लगानी है, जो इसकी कटिंग होगी वो हम दोनों पार्ट ज्वाइंट करने के बाद, यानी कि उनको ज्वाइंट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको इसकी कटिंग बताएंगे। ए लाइन में इसकी कटिंग होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसा ही पीस एक और तैयार कर लेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमको नहीं बताया इसकी सिलाई। वैसे सिलाई बहुत ही इजी है, फिर भी मैं आपको बताऊंगी। और ये जो हमारी चौड़ाई वाली साइड है, इधर से इसकी ए लाइनिंग कटिंग होगी। और ये जो मैं लहंगा तैयार करूंगी, ये मैं 42 इंच का लहंगा बना के तैयार करूंगी, यानी कि स्कर्ट। तो देखिए, हम अब सिलाई करते हैं। जैसे हमने नेवी ब्लू कपड़ा लिया है, इसको मैं डार्क ब्लू को, ये दोनों सीधी साइड एक दूसरे के अंदर होनी चाहिए और उल्टी साइड से हमें सिलाई लगानी है। देखिए, हमेशा सिलाई उल्टी साइड से लगानी होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोनों सीधी साइड अंदर की साइड होनी चाहिए। और आप जिस भी साइज का लहंगा स्कर्ट बनाना चाहती हैं, उस हिसाब से आप ये कपड़े ज़्यादा ले सकती हैं। यानी कि जैसे मुझे 44 इंच का लहंगा तैयार चाहिए स्कर्ट, तो मैंने उस हिसाब से कपड़ा लिया है। आप अपने अनुसार ले सकती हैं। अगर आपको कम यानी कि छोटी बनानी है तो आप कम कपड़ा ले सकती हैं। अब देखिए, मैंने जैसे ये पीस ज्वाइंट कर लिया है, अब इसके साथ में ये दूसरा वाला ज्वाइंट करूंगी। और ये मेरा बेंगलोरी साटन है, देखिए कितना प्यारा होता है, इसमें शाइनिंग है, सेंटून है। और ये ब्रॉकेट है, ये हल्का ब्रॉकेट है। तो आप इसी तरीके से ये कुछ, इसमें एक पीस हमारा डूपियन का भी है, मतलब जो मेरे पास पीस थे मैंने उनमें से थोड़ा थोड़ा कपड़ा कट किया है। और मैं इसे बहुत ही अच्छे स्कर्ट बनाऊंगी, तो इसको हम सीधी सिलाई लगाएंगे। अगर देखिए, आपको इसका दुपट्टा देखना है कि इसका दुपट्टा कैसे बनाना है, तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इसी इसका दुपट्टा भी बना सकती हैं। इसका दुपट्टा ब्लू कलर का बनेगा, और जो इसका ब्लाउज होगा वो हमारा नेवी ब्लू का बनाएंगे। वो हम पूरा सेट बनाएंगे इसका। अगर हो सके तो मैं इसकी पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी तो मैं स्कर्ट ही बता रही हूँ आपको, यानी कि स्कर्ट बनाना। तो देखिए, मैंने अपने पीस ज्वाइंट कर लिए हैं दोनों, यानी कि एक दोनों पार्ट के लिए। ये मेरा एक पार्ट ये हो गया। अब इसको मैं 2 लेयर में करूंगी। ये देखिए, इसको हम ऐसे फोल्ड करके 2 लेयर में कर लेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अभी हम एक पार्ट पे ही कटिंग करेंगे, दोनों पे नहीं करेंगे एक साथ, सिर्फ एक पार्ट पे कटिंग करेंगे, दूसरे पार्ट पे हम बाद में करेंगे। पहले हम अपने इसको अच्छे से बिछा लेंगे, क्योंकि हमने ज्वाइंट किया है तो छोटा बड़ा हो सकता है। अच्छे से बिल्कुल आपको सेट करना है कपड़ा, कहीं से भी छोटा या बड़ा ना हो, एकदम से बराबर हो हमारा कपड़ा, ताकि हमारी जो कटिंग है
वो बहुत अच्छे से हो। अब देखिए, आपको अपनी कमर नापनी है और अपनी कमर का आपको फोर्थ भाग लेना है, जितनी भी आपकी कमर है उसका फोर्थ भाग कर लीजिए, उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ 11 इंच। अब इसके बाद यहाँ से हम इसको देखिए बिल्कुल इस कोने तक तिरछा कर देंगे, यानी कि इस तरीके से देखिए कर्व देते हुए, जैसे हम ए लाइन में लाइनिंग कट करते हैं, आपने देखा होगा ये इस तरीके की स्कर्ट है और ये बहुत ही प्यारी बनेगी। बनने के बाद आप पूरा इसका लुक देखना। अब इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे, जैसे हमने निशान लगाया है, देखिए बिल्कुल सेम है। अब हम यहाँ से कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े की, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसे आप किसी काम में ले सकती हैं, यानी कि आपको कोई डोरमेट बनाना है या कुछ भी बनाना है तो उसमें आप इसके पीस यूज कर सकती हैं। जैसे मैं इस पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, अब मैं दूसरा पार्ट है जो मेरा, उसकी कटिंग भी सेम मैं ऐसे ही कर लूंगी। अब यहाँ से जो हमारा कोना आता है तो यहाँ से इसकी हल्की सी गोलाई कर लेंगे, क्योंकि गोलाई करनी बहुत जरूरी होती है कर वाले हिस्से की, ताकि जो हमारा कपड़ा है वो लटके ना, कोने लटक जाते हैं अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं, तो इसकी गोलाई करनी बहुत जरूरी होती है। तो देखिए ये जो हमारी कटिंग है ये इस तरीके से होके बन के तैयार है। देखिए कटिंग हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको इसकी सिलाई बताते हैं, दूसरा पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। तो देखिए जो लेस है, ये मैंने एक पतली लेस ली है जो हमने सिलाई लगाई थी, और कपड़ा हमने अंदर की साइड कर दिया यानी कि ऊपर की साइड। अब इस लेस को हम अपनी जितनी भी हमारी सिलाई है उनके ऊपर लगाएंगे, ताकि इसमें और अच्छी फिनिशिंग आ सके, और हम लेस को सिर्फ एक साइड सिलाई लगा के लगाएंगे, क्योंकि दोनों साइड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ताकि हम जब इस पे इंटरलॉक करें या कुछ भी करें तो दिक्कत ना हो, क्योंकि हम इसे पहनने के लिए बना रहे हैं और इसमें हम लाइनिंग का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कपड़े हैं वो काफी मोटे हैं, और आप इसमें लाइनिंग यूज भी नहीं करें तो चलेगा। आप एक क्या वो पेटीकोट बोलते हैं वो बना लें इसके साथ, वो भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वैसे तो ये बहुत भारी कपड़े हैं मेरे, मुझे पेटीकोट की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप वो भी यूज कर सकती हैं, वरना आप इसमें लाइनिंग लगा सकती हैं, लाइनिंग को आप अलग से सिल लीजिए। तो देखिए मैंने लेस को पूरे में ये लगा लिया है। अब ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है नेफे वाला, और जो मेरा ये नीचे वाला हिस्सा है इसको मैं नीचे की तरफ एक कपड़ा लगा के उसे अंदर की साइड फोल्ड करके फिर लेस लगा लूंगी। ये बहुत इजी है करना, आप कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा ले लीजिए और उसकी एक सीधी पट्टी लेके। तो देखिए मैंने ये दोनों पीस अपने बना के तैयार कर लिया, आप देख सकती हैं कितना प्यारा लुक आया इनका। अब ये मेरे दोनों पीस तैयार हैं। अब हम इनको एक दूसरे के ऊपर रख के और इन पे एक साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम सिलाई लगाते हैं। तो देखिए हमने एक साइड से सिलाई लगा ली है, यानी कि एक साइड अभी हमारी खुली है, सिर्फ मैंने एक साइड से सिलाई लगाई है। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा, और इसमें घेरा तो इतना सारा है कि बहुत सारा घेरा है। अब देखिए हम इसमें आपको नेफा लगाना यानी कि बेल्ट लगाना बताएंगे। तो देखिए हमने ये बेल्ट कट कर ली है, हम आप बेल्ट की लंबाई चौड़ाई बताते हैं। तो जो बेल्ट की चौड़ाई है वो मैंने ली है 5.5 इंच, और उसके बाद लंबाई मैं इसमें इतनी ले सकती हैं जितनी भी हमारे इसकी है बेल्ट, क्या बोलते हैं ये कमर की है, उसी हिसाब से आपको इसकी लंबाई लेनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा ये बेल्ट वाला कपड़ा है हम इसमें जिप वगैरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम इसे इतना ही खुला रखेंगे जितना हमारा नेफा होगा, सिर्फ डोरी डालने वाली जगह को ही खुला रखेंगे, बाकी हम पूरा बंद कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे एक साइड से ऐसे, ताकि जो हमारे धागे वगैरह हैं वो पूरे अंदर की साइड चले जाएं। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ करना है आपको, और दूसरी साइड को हम तब बंद करेंगे जब हम पूरा नेफा लगा के तैयार कर लेंगे। तो इस नेफे को हम इस तरीके से टू टू फोल्ड में करेंगे, और ये हिस्सा ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर रख के सिलाई लगानी है बहुत इजी तरीके से। मैं आपको बेल्ट लगाना बता रही हूँ, बहुत इजी है बेल्ट लगाना। बेल्ट लगाने में ऐसा कुछ भी नहीं है, कई बार बोलते हैं लोग झोल पड़ जाता है हमसे, सलवटें आ जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी। तो देखिए आपको सिर्फ सीधी सिलाई लगानी है इसमें, और सिलाई लगाते हुए
दूसरी सिलाई इस कपड़े के ऊपर लगानी, यानी कि कपड़े को एक साइड को करके, नीचे की साइड को करके, और फिर इसके ऊपर लेस लगा लेनी है, जैसे मैंने अभी पूरी उसमें लगाई थी। और मेरा एक नया चैनल है कविता टॉक के नाम से, प्लीज़ आप उसे भी सब्सक्राइब करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकती हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप मेरा वो वाला चैनल देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अब देखिए मैंने अपना नेफा तैयार कर लिया है और इसके ऊपर लेस लगा ली है, तो आप देख सकती हैं कितना प्यारा इसका लुक आया है। अब उसके बाद हम इसको ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ से हमने सिलाई अभी इंटरलॉक नहीं किया है, हम करेंगे अभी बाद में, पहले हम इसको पूरा फिनिश कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसमें जिप वगैरह नहीं लगा रही हूँ, आप चाहें तो लगा सकती हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ। अब मैं इसको सिर्फ जो हमारी डोरी डालने वाली जगह है, सिर्फ वहीं से मैं इसे खुला रखूंगी, बाकी मैं इसे अपने जो ये नेफा वाला हिस्सा है इसको मैं पूरा बंद कर दूंगी, और इस सिलाई को हम नीचे तक लेके आएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि सीधी करके, और जो हमारे लेस वाले टुकड़े हैं जो कट है वो आपस में मिलना चाहिए। देखिए कोई भी छोटा या बड़ा ना हो, अगर थोड़ा बहुत होता है तो चलो कोई नहीं, अगर हो जाए आपसे, लेकिन फिर भी आप हिसाब से ही सिलेंगे कपड़ा, बराबर बराबर दबाएं, ये तब होता है जब। अब देखिए हमारी स्कर्ट बन के एकदम से तैयार हो चुकी है, आप देख सकती हैं स्कर्ट का हमारा जो लुक है वो कितना प्यारा आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब।